एक छोटी सी बात आपसे करनी है। आज मैं और मेरी फ्रेंड्स हम लोग बाहर गए हुए थे और वी वर स्टैंडिंग, मौसम अच्छा था लाहौर में, तो हमने देखा कि कुछ लड़के गुजरे हैं और गुजरते हुए ऊंची आवाज़ में हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ना द रेगुलर बॉयज थिंग। तो व्हाट वी नोटिस्ड इज के वो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे और बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में गालियाँ दे रहे थे और हंस रहे थे गालियाँ दे दे के, यू नो द रेगुलर गालियाँ जो लाहौर में होती हैं, MC VC इस तरह की गालियाँ। अल्लाह जानता है मैं झूठ नहीं बोल रही, जब मैं लाहौर में आई थी तो मुझे पता चला था ये कि गालियाँ होती हैं MC BC, और मुझे उनके मतलब जो मेरी दोस्त ने बताया तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इतनी गंदी गाली, तो उसने बोला कि ये लोग तो आपस में आम इस तरह से देते हैं। तो मुझे आज जब मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कहा यार चार बात मेरी लोग सुन लेते हैं तो मैं ये ज़रूर डिस्कस करूँगी कि अपने दोस्तों को मजाक में कभी माँ बहन की गालियाँ ना दें। आप एक दूसरे के घर आते हैं, आप एक दूसरे की माँ बहनों से मिलते हैं, एंड इट लीव्स सच अ बैड इंप्रेशन कि आप इस तरह की बातें अपने मुंह से निकालें। अंग्रेज़ों की बातें हैं, यू नो मदर व्हाटएवर, आई मीन FUM, इस तरह की बातें अंग्रेज़ करते हैं। उनकी सोसाइटी बहुत बुरी है, हमारी सोसाइटी बहुत साफ है, हमें गालियाँ या इस किस्म की बातें सूट ही नहीं करती हैं। हम किस लिए दे रहे हैं, हम शुगल में दे रहे हैं, हमारे मुँह के ऊपर चढ़ी हुई हैं। तो जब जैसे यूजुअली ऐसा होता है कि मैं हर एक को ये बात करती हूँ, मैं खुद करती भी हूँ कि चोट लग जाती है कहते ओ शिट, आई मीन अगर चोट लग गई है तो आपने कोई गंदा वर्ड अपने मुँह से ज़रूर निकालना है। आप बोलो अल्लाह रहम और यकीन करें मेरे मुँह से निकलते, ये प्रैक्टिस कर लें। छोटी सी बात, मैं कोई मौलवी नहीं, मैं बहुत गुनाहगार बनती हूँ, मैं गाने गाती हूँ, मैं फिल्मों में आती हूँ, मैं ड्रामों में आती हूँ, लेकिन जो अच्छी बातें मैं आपसे सिर्फ इसलिए शेयर करती हूँ कि क्या पता मेरी इस बात से एक बंदा भी अगर ठीक हो जाए, गालियाँ देना छोड़ दे या ओ शिट कहना छोड़ दे या चोट लग जाए तो अल्लाह से रहम मांग ले, या जिस तरह पुरानी मेरी दादी कहती थी बिस्मिल्लाह कह ले। छोटी छोटी सी बातें हम अपनी सोसाइटी को साफ करें, गालियों से बचें। गालियाँ ना नवाज़ शरीफ को दें, ना इमरान खान को दें, किसी को गालियाँ ना दें, बस गालियाँ दें ही ना, बिकॉज आप वो अगला बंदा सुन नहीं रहा होता, आपके इर्द गिर्द जो आपके दोस्त होते हैं उनके कान खराब हो रहे होते हैं, गंदे हो रहे होते हैं, और मजाक में भी MC BC वाली गाली ना दें। एंड गाइज एज आई ऑलवेज से आई लव यू ऑल, टेक केयर।